आगरा छावनी परिषद इलाके की जनता मोबाइल टावर लगाने की मांग काफी लंबे समय से कर रही है। मोबाइल नेटवर्क न होने के चलते कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई के दौरान खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों को भी खासा नुकसान मोबाइल नेटवर्क नहीं आने के चलते उठाना पड़ रहा है। नौकरी पेशा हो या फिर आम नागरिक, सभी को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। छावनी परिषद की जनता की परेशानी को देखते हुए छावनी परिषद ने 12 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव पास किया है। छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कपूर का कहना है, अक्टूबर महीने के अंत तक मोबाइल टावर जमीन पर दिखाई देने लगेंगे। टावर जो है सलोन डील टावर हम उनको बोलते हैं, यानी कि काउ टावर्स, वो उनका टेंडर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका है। डेट जा चुकी है हमको कि जिन 12 लोकेशंस में ये लगने हैं पूरे छावनी को कवर करने के लिए, और ये जो बिग ड्राइंग है इसको हमारे कंटोनमेंट बोर्ड की जनरल कमेटी ने ऑलरेडी पास कर दिया है। अभी आगामी हफ्ते में हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें इसको पास करा करके प्रपोजल PDDE के पास भेजा जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द हम PDDE के यहाँ से सैंक्शन लेकर के आए और इमीडिएटली टावर लगवा दिए जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के अंत तक हमें टावर लगने शुरू हो जाने चाहिए। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट।